आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कोमोडो OS का रिव्यू करके बताऊंगा। इस वीडियो पे हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। मेरे ऑल्टरनेटिव YouTube चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक करें। उन तीनों ऑल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल के लिंक आपको मैं आई बटन पे दे दूंगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल के चैनल वाले टैब पे जाएंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं अपडेट करते रहता हूँ। उन सभी सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको वो पूरे लिंक दे दूंगा। अब हम अपने वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोमोडो OS का अबाउट पे ले चलता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोमोडो OS का ये लोगो आ चुका है, यहां पर आपको एंड्रॉइड 12 दिख रहा है। मैं सबसे पहली बात आपको इसका ईस्टर एग भी दिखा देता हूं। ये रहा हमारा ईस्टर एग एंड्रॉइड 12 का। बैक करते हैं, कोमोडो OS वर्जन है 4.1, अनऑफिशियल है, मेंटेनर का नाम है रिहान। प्लीज आप रिहान को भी सपोर्ट करें, मुझे भी सपोर्ट करें। अगर आप इस डिवाइस को और कंटिन्यू फ्यूचर तक देखना चाहते हैं तो इस डिवाइस के डेवलपर यानी कि जो रोम डेवलपर है और हम जैसे यूट्यूबर्स जो इसके रिव्यूज करते हैं उन सभी को आप सपोर्ट करें। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर वीडियो बनाने पे इंटरेस्ट कम होने लगेगा, डेवलपर का भी रोम क्रिएट करने पे डेवलप करने पे इंटरेस्ट कम होगा, फिर आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अपना सपोर्ट कंटिन्यू रखें। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच आपको 5 फरवरी 2022 का मिलेगा। कर्नल आपको मिल रहा है 4.9 हेंटाई का। सिलिनिक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग बेस्ड है। अब हम चलेंगे इस रोम पे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कोमोडो OS जो है ये एक वनीला रोम है। इस पे मैंने फ्लेम GF बेसिक फ्लैश किया है और इस फ्लेम GF बेसिक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा। बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। सबसे पहली बात, ये इसका क्विक टाइल्स है जो बाय डिफॉल्ट आता है। आप एडिट पे जाके और भी ऐड कर लीजिएगा जो भी आपको जरूरत महसूस होगा। लेफ्ट साइड पे आपको गूगल पेज लाने के लिए गूगल ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद लेफ्ट साइड पे गूगल पेज आपको देखने को मिल जाएगा। राइट साइड पे जो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे वो आ जाएगा। डायलर पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वनीला रोम है, इसमें गूगल डायलर नहीं आता है, तो डायलर पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्ले स्टोर सर्टिफाइड है। नया वाला जी कैम मैंने लोड किया है, ये वाला जी कैम जो है इसमें स्लो मोशन भी अच्छे से काम करता है, ध्यान रखिएगा। कैमरा का जो वीडियो वाला पोर्ट सेगमेंट है उस पर आप 1080p कैमरा सेटिंग रखें, उसके बाद स्लो मोशन चलाएं, फिर आपका स्लो मोशन चलेगा। अगर आप कैमरा को जबरदस्ती 4K 8K पे सेटिंग करके रखेंगे तो आपका स्लो मोशन मोड क्रैश करेगा। ये मैंने बता दिया है कैमरा वर्किंग है। इस लेटेस्ट कैमरा का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इस रूम पे आप देख सकते हैं इतने ऐप मैंने लोड किया है आपको थोड़े से रिव्यू प्रोवाइड करने के लिए, तो जल्दी से हम अपने रिव्यूज पे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको स्टैंडर्ड 10 वॉट का ही चार्जिंग मिलने वाला है, कोई हाई फाई एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक कैमरा मिलेगा, यूज करने की जरूरत नहीं है, जी कैम आप यूज कीजिए, एक्सीलेंटली वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसके बाद कर्नल बिल्कुल भी ओवरक्लॉक नहीं किया गया है, बेस कर्नल है। अब बात करते हैं इस पे जो भी अदर्स ऐप है, जैसे कि गैलरी ऐप, आपको बाय डिफॉल्ट बेसिक वाला गैलरी ऐप दे दिया गया है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप फोटोज ऐप भी यूज कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। आगे चलते हैं, इसके बाद यहां पर आपको एक कोमोडो आइकॉन दिया गया है, ये कोमोडो वॉलपेपर कलेक्शंस है। इस पे बेसिक अब वॉलपेपर आपको दिया गया है थोड़े से ही, आप चाहें तो यहां पर सर्च करके और निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने ये फर्स्ट वॉलपेपर अभी सेट किया है, आपने देखा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर मी रिमोट काम कर रहा है, यानी कि MI रिलेटेड एप्स भी काम करते हुए आपको मिलेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और मी पोर्ट ऐप की बात करें तो उन सभी पोर्ट ऐप के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कीजिए और चला लीजिएगा। थर्ड पार्टी लॉन्चर भी अच्छे से काम कर रहा है बिना किसी लैग ग्लीच और हैंक के, तो आप यूज कर सकते हैं जो भी आपका पसंद वाला थर्ड पार्टी लॉन्चर होगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर ही यूज करता हूं। आगे बढ़ते हैं,
कुछ यूजर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर एंड्रॉइड 12 पे नेटफ्लिक्स अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उनके लिए मैं सैंपल दिखा देता हूं। मेरे पास नेटफ्लिक्स अकाउंट नहीं है। जी हाँ, मैं गरीब आदमी हूं भाई, नेटफ्लिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो मैं नेटफ्लिक्स नहीं चलाता हूं। देखिए, मैंने ऐप ओपन करके दिखा दिया है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, आप चाहें तो चला लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने आईडीज यूज कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, नेटफ्लिक्स की बात बात करें तो गूगल फोटोज की बात करूं तो इस गूगल फोटोज में आपको कोई अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ में पिक्सल 6 सीरीज का फोटो एडिटिंग फीचर जो है, यानी कि मैजिक इरेजर, ब्लैक एंड व्हाइट, इरेज मोड, ये सब जो भी एडवांस एडिटिंग फीचर है, ये भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट बेसिक गूगल फोटोज ऐप है, दैट्स इट। प्ले स्टोर मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर सर्टिफाइड है, आराम से बैंकिंग चलाइए, कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। आगे बताता हूं, रूट चेकर से बता देता हूं कि फोन का रोम बिल्कुल भी रूटेड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। साइड एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉलेशन वाला जो ऐप है, ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कोई ऐसा ऐप जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, या आप थर्ड पार्टी क्रैक्ड ऐप यूज करना चाहते हैं, उसके इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको इस ऐप की जरूरत पड़ती है, तो आप इस पे यूज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम और परेशानी के, आराम से यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको YouTube की बात की जाए तो YouTube पे आपको सेट पार्ट ये है कि केवल 1080p तक का ही सेटिंग देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आप अगर वीडियो देखना भी चाहें 2K 4K बिल्कुल आप नहीं देख सकते, केवल 1080p 60fps तक का ही आप वीडियो वॉच कर पाएंगे। और सिमिलरली इस रूम पे आपको कैमरा में भी 1080p 60fps तक का ही सपोर्ट मिल रहा है, 4K 2K कुछ भी आप नहीं चला पाएंगे, जीकैम में भी। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपको, अब मैं इसके सेटिंग्स पे ले चलता हूं, एंड्रॉइड सेटिंग्स को। अब मैं आपको इस रूम के सेटिंग्स पे ले आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड्रॉइड 12 का हमारे पास एज यूजुअल कॉमन सेटिंग है। इसमें कुछ बताने के लिए कुछ खास सेटिंग्स है नहीं इस रूम पे, नेटवर्क पे भी कुछ नहीं है। ऐप में आपको मैं बता दूं, क्विक स्टेप वाला बेसिक लॉन्चर देखने को मिलेगा। बैटरी की बात करूं तो जस्ट एवरेज बैटरी बैकअप है, कोई एक्सपेक्ट मत कीजिए। मेरे यूज में मुझे एवरेज बैटरी बैकअप मिला है, जबकि मैं सिंगल सिम यूजर हूं, कम से कम GPS यूज करता हूं, और मैं ज्यादा गेम नहीं खेलता हूं। मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स वाले, टेलीग्राम ग्रुप्स, इस टाइप के अनवांटेड सोशल प्लेटफॉर्म भी यूज नहीं करता हूं, जिससे स्क्रीन का ब्राइटनेस बार बार बंद चालू हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक पैटर्न पे मैं यूज किया, उसके बावजूद मुझे जस्ट एवरेज ही बैटरी बैकअप मिला है। स्क्रीन ऑन टाइम आप 4 घंटा ही एक्सपेक्ट कीजिए, उससे ज्यादा का उम्मीद मत कीजिए। और टिपिकल फुल डे, यानी कि फुल जॉब वर्किंग डे पे भी आपको बैटरी बैकअप 0 तो नहीं होगा, बट आपको जॉब से आते आते फोन को चार्ज देना पड़ेगा, या फिर अगर आप जॉब में है तो आप अपने लंच ब्रेक में फोन को चार्जिंग जरूर दीजिए। चार्जिंग टॉपिक की बात करें तो केवल स्टैंडर्ड 10 वॉट का ही चार्जिंग सपोर्ट है, कोई हाईफाई चार्जिंग आपको नहीं मिलने वाला है। बैक करते हैं, स्टोरेज की बात करें तो आप सभी फोन्स पे अप्रोक्स 9 GB माइंड पे टारगेट रख के चलिए। आप देख सकते हैं कोई कोई रोम आपको 8.4 GB, 8 GB, 8.5, 8.6, तो रफली आप माइंड पे रखिए, हर एक कस्टम रोम आपको 9 GB कंज्यूम करवाएगा ही, तो आप उस हिसाब से रेडी रहिए, 9 GB मान के चलिए इसे। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेस पे एज यूजुअल जो बेसिक से होते हैं और कुछ खास बताने लायक नहीं है। इसके अलावा वॉलपेपर पे आपको थीम बेस्ड आइकॉन मिल जाएगा, जो कि बीटा स्टेज पे है। इसके बाद एसेबिलिटी के अंदर भी कुछ नहीं है, वही कैप्शंस है, एक्स्ट्रा डीम का फीचर्स मिलता है। सिक्योरिटी पे मैं आपको बता दूं तो इस पे आपको फोन का जो रोम है नॉट इनक्रिप्टेड है, तो ऐसा नहीं है फॉर्मेट डेटा वाला प्रॉब्लम सॉल्व है, आपको फॉर्मेट वाला डेटा वगैरह करना नहीं पड़ेगा। प्राइवेसी इस पे कुछ नहीं, सेफ्टी, इमरजेंसी, डिजिटल वेलबींग काम करता हुआ मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। सिस्टम्स की बात करें तो आपको डेवलपर ऑप्शन प्री इनेबल नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अबाउट पे जाना है और बिल्ड नंबर को 5 टैप्स करना है, फिर आपको यहां पर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी के अलावा मैं आपको यहां पर एक चीज और भी बता देता हूं, साउंड सेगमेंट पे आपको जो देखते हैं हम, साउंड पे आपको बेसिक तीनों चीज मिल जाएंगे जो आप कभी कभी डिमांड करते हैं। देखिए, डायरेक्ट साउंड यानी कि MI साउंड इनहेंसर,
ऑडियो एम्पलीफिकेशन, जिससे आप हेडफोन, स्पीकर और माइक्रोफोन तीनों की वॉल्यूम थोड़ी सी बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर स्पीकर यानी कि स्पीकर का वॉल्यूम हल्का सा इंप्रूव कर सकते हैं, धूल डस्ट वगैरह आगे रहता है उसके लिए। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर एक हमें सेटिंग्स मिलता है रैप टूल, जैसे कि कॉमोडो का। तो इसमें जस्ट ही बेसिक सेटिंग्स है, स्टेटस बार पे ये छोटे मोटे सेटिंग्स है, यानी कि बैटरी परसेंटेज, बैटरी टूल बार, कुछ खास देखिए एएम पीएम लाने का भी फीचर नहीं है, या वोल्टी आइकॉन, सिग्नल बार चेंज करने का भी कुछ खास सेटिंग नहीं दिया गया है। सिमिलरली नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहां पर कौन से आइकॉन लाने हैं, ट्रैफिक इंडिकेटर बस यही दिया गया है। नेविगेशन बार पे मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कोई भी लाइट वर्किंग नहीं है, बट बटन काम कर रहा है, क्योंकि आपने देखा मैं कब से बटन से ही टच कर रहा हूं, तो काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन पे आपको फोर्स स्मॉल क्लॉक वाला बस फीचर मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं है। मोनेंट इंजन के अंदर आप अपने प्री डिफाइंड कलर के अकॉर्डिंग थीम क्रिएट कर सकते हैं, वो फीचर दिया गया है। और मिसलेनियस के अंदर केवल आपको एक ही काम का फीचर मिलेगा, वो है एडवांस रिबूट। इसके अलावा इस कस्टमाइजेशन पैनल पे कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक रोम है ये। अब मैं आपको इसके अबाउट में एक बार और ले जाता हूं, और आप देखिए ये है कोमोडो का लोगो, एंड्रॉइड 12, कोमोडो वर्जन 4.1, अनऑफिशियल मेंटेनर है रेहान, 5 फरवरी 2022 सिक्योरिटी पैच है, कर्नल 4.9 हेंटाई, और बिल्ड जो है वो है 5 फरवरी 2022 का है, सिलिनिक्स स्टेटस इनफोर्सिंग है। अब आप देख इस वीडियो को हम एंड करेंगे, एंड करते वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप मेरे चैनल को सपोर्ट दें और मेंटेनर को भी सपोर्ट दें, जिससे कि मैं और मेंटेनर आपके लिए इस डिवाइस को कंटिन्यू रख सके। अदरवाइज आपका सपोर्ट कम होगा तो हमें इस डिवाइस को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, हमेशा स्टार्ट टू एंड बिना स्किप और फॉरवर्ड के सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको आई बटन इवेंट डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में भी मिल जाते हैं। मेरे अल्टरनेटिव चैनल्स को भी फॉलो करें और मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करके रखें। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।